इन टिप्स की हेल्प से मोटे लोग जो है वो पतले दिख सकते हैं। हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, हियर राजवी दिस साइड। वेलकम टू दिस चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी चबी है, आप थोड़े से मोटे हैं। बिकॉज हमारा ड्रेस सेंस एंड हमारी बॉडी, ये दोनों ही हमारी पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टिप्स जो है ये आपके ड्रेस सेंस में आपको फॉलो करनी ही है अगर आप थोड़े से मोटे हैं, क्योंकि इन टिप्स को फॉलो करने से आप अट्रैक्टिव भी लगोगे प्लस आप थोड़े से पतले भी लगोगे। सो चलिए जानते हैं पहली टिप कौन सी। पहली टिप जो है वो है रिलेटेड विद एक्सेसरीज, या फिर आप यू कहें कि आप जो भी ज्वेलरी पहनते हैं, लाइक आपकी जो भी घड़ी हो गई, या फिर आपकी बेल्ट का जो भी बकल हो गया, बेल्ट हो गई, आपके शूज हो गए, है ना, आप जो भी ग्लासेस पहनते हैं, आपने एक बात का ध्यान रखना है एक्सेसरीज में कि वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, हैवी डिजाइन वाली नहीं होनी चाहिए। आपकी जो घड़ी है उसका डायल जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी जो बेल्ट है उसका बकल जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो भी आप ज्वेलरी पहनते हैं स्पेशली इयररिंग्स वगैरह, आपने बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं पहनने, उन्हें अवॉइड करना है। छोटे इयररिंग्स जो होते हैं या पतले वाले लंबे वाले आपने वो पहनने, क्योंकि इंडियन कल्चर में क्या है, विमेंस जो है ज्वेलरी पहनती ही है और ज्यादातर आपने देखा होगा हैवी ज्वेलरीज ही पहनती हैं, हैवी ज्वेलरी ही होती है उनकी पार्टी वगैरह में। बट अगर आप चबी हैं, थोड़े से मोटे हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है और आपकी जो भी एक्सेसरीज है उसका डिजाइन जो है वो हैवी नहीं होना चाहिए। सेकेंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आपके हेयर से रिलेटेड है। इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप थोड़े से चबी हैं, जैसे आप देखो आपकी बॉडी का साइज भी कुछ ऐसे है, आपका फेस भी कुछ हैवी सा होगा, उसके ऊपर आपने क्या है कर्ली हेयर जो है नहीं रखने हैं। कर्ली हेयर को आपने अवॉइड करना है, उसके बदले में आप स्ट्रेट हेयर जो है प्रेफर करिए। स्पेशली फॉर गर्ल्स थोड़े से लॉन्ग हेयर या फिर आप मीडियम लेंथ का हेयर कट रखिए, ऊपर से अपने बाल जो है स्ट्रेट रखिए और ऐसे पार्टीशन में अपने हेयर जो है रखिए, इससे अच्छी लुक आती है। और बॉयज के लिए भी सेम है, कर्ली हेयर आप अवॉइड करिए और अपने जहां से जो आपने बाल होते हैं ना उन्हें थोड़ा सा हल्का रखने की आपने कोशिश करनी है। सो ये टिप आपको बहुत हेल्प करेगी, ट्राई करके देखना। एंड द थर्ड टिप साथ ही में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इट इज रिलेटेड विद प्रिंट, कि आपके कपड़ों के ऊपर जो प्रिंट होता है, लाइक प्रिंटेड कपड़े बहुत चलते हैं स्पेशली समर में, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। लड़कों ने क्या करना है, प्रिंटेड जो टी शर्ट होती है, शर्ट होती है, उन्हें आपने अवॉइड करना है। और लड़कियों ने प्रिंटेड ड्रेसेस को, उसमें भी बड़ा प्रिंट, स्पेशली जो बड़े बड़े प्रिंट वाले कपड़े होते हैं ना उन्हें आप अवॉइड करिए। इवन आप प्रिंटेड कपड़े ही अवॉइड करिए, मैं तो कहूंगी आप या तो प्लेन पहनिए या फिर वो डॉट डॉट वाले नहीं होते हैं जो डिजाइन होता है वो पहनिए, उसमें भी छोटा जो साइज होना चाहिए। एंड प्लस वर्टिकल लाइंस वाले जो होते हैं ना आप उन्हें पहन सकते हैं या फिर आप चेक पहन सकते हैं, बट आपने बड़े बड़े प्रिंट वाले जो कपड़े होते हैं इन्हें खास करके अवॉइड करना। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आपके नेक डिजाइन से रिलेटेड है। जो मोटे लोग होते हैं इन्होंने क्या है, राउंड नेक को अवॉइड करना है, इन्होंने वी नेक जो है उस डिजाइन वाले ही कपड़े खरीदने की कोशिश करनी है ज्यादातर। अब आपको हर शर्ट में वी नेक मिले या हर ड्रेस में वी नेक मिले ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी खास ओकेजन पर जाने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं या फिर किसी खास पार्टी के लिए कपड़े खरीदने हैं तो उसमें क्या है आपने वी नेक जो है लेने की ज्यादातर प्रेफर करना है। वी नेक जो होना चाहिए, नेक का जो डिजाइन है वो वी शेप में होना चाहिए, ओके। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथ ही में फिफ्थ नंबर पर जो टिप है मोटे लोगों के लिए, इट इज रिलेटेड विद फिटिंग, कि आपकी जो फिटिंग होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। फिटेड क्लोथ और टाइट जो क्लोथ होते हैं इनमें डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं अक्सर वो ये गलती करते हैं, बहुत ही ज्यादा ना टाइट कपड़े पहनते हैं जस्ट पतला दिखने के लिए, बट उससे क्या है आपकी चर्बी पर और भी ज्यादा ध्यान जाता है। तो टाइट कपड़े जो है अवॉइड करने हैं आपने, अच्छी खासी फिटिंग वाले होने चाहिए। इवन मैं तो कहूंगी 1-2 इंच लूज भी चलता है अगर आप बहुत ज्यादा चबी हो, बट यस टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, फिटेड कपड़े पहनने। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्लीव से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा मोटे लोग जो होते हैं ना वो हाफ वायू के कपड़े पहनते हैं, बट आपने अवॉइड करना है। अगर आप चबी हैं आपने हाफ वायू के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने, या तो इतनी आर्म्स वाले पहनिए या फिर फुल स्लीव वाले पहनिए, क्योंकि इससे क्या है आपकी जो आर्म्स है ये थोड़ी सी पतली लगती है, ओके, इस बात का आपने ध्यान रखना है। साथ ही में नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ
वो ये है कि आपने शेप वियर जरूर पहने हैं। मार्केट से अलग अलग तरह के शेप वियर जो है वो मिलते हैं, जो अलग अलग तरीके के कपड़ों के नीचे पहने जाते हैं। लाइक साड़ी के लिए अलग तरीके से होता है, वन पीस के लिए अलग तरीके से होता है, लड़कों के लिए अलग होते हैं। तो मार्केट में से आपको शेप वियर खरीदना है, वो पहनना है अगर आप बहुत ही ज्यादा चौबी हैं, क्योंकि शेप वियर क्या है, आपकी बॉडी को एक शेप में दिखाएगा। उसके ऊपर आप जो भी कपड़े पहनेंगे वो आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। ओके, इस चीज को आपने फॉलो करना है। एंड साथ ही में नेक्स्ट टिप जो है, इट इज कि आपने जो है बैगी जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें अवॉइड करना है। वो ढीले जो कपड़े होते हैं आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसे कपड़े आपने नहीं पहने हैं, क्योंकि इससे क्या है, आप पहले ही चौबी हो, मोटे हो और ये आपको और मोटा दिखाते हैं। तो इन्हें आपने अवॉइड करना है। रेगुलर फिट्स जो होते हैं उन्हें ही आपने प्रेफर करना है। ओके, साथ ही में लास्ट नंबर पर मैं आपको जो टिप्स सजेस्ट करूंगी वो कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। आपने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं, लाइट कलर के कपड़े जैसे बेबी पिंक हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, क्रीम कलर के कपड़े जो होते हैं इनको आपने अवॉइड करना है। डार्क कलर के कपड़े पहने हैं जैसे नेवी ब्लू हो गया, मेहरून कलर हो गया, ब्लैक हो गया। इसमें क्या है, आपके कर्व्स जो है वो कम दिखाई देते हैं, जिससे एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है पतले होने का, या आप दूसरे को पतले लगते हो। ओके, यही टिप्स थी आज के लिए। 9 टिप्स मैंने आपके साथ टोटल शेयर करी है। अगर आप एक चबी लड़का या लड़की हैं तो आप इनको जरूर फॉलो करें अपने ड्रेस सेंस में, आपको अट्रैक्टिव लुक मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑडियोस देखने के लिए क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।